हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? होप सो अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है संडे तो सारा काम आराम आराम से हो रहा है। मेरे यहाँ संडे को बहुत चिल करते हैं सब लोग, आराम से उठते हैं। सैटरडे नाइट में हम लोगों ने मूवी देखी थी तो देर से सोए थे, तो मॉर्निंग में भी देर से ही उठे। और जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठी थी, मैंने ये इडली का बैटर बना के रख दिया था। अब इसमें मैंने डाला है नमक और इनो, और ये मैं कटोरियों को ग्रीस कर रही हूँ। मैं इडली नहीं बना रही हूँ, लेकिन ये इडली का बैटर से मैं दूसरी रेसिपी ट्राई कर रही हूँ आज। ये थोड़ा बच्चों की डिमांड है कि संडे को थोड़ा सा कुछ अलग नाश्ता बन जाए, तो ये मैं बना रही हूँ इडली के बैटर से सूजी का बर्गर, आप इसे बोल सकते हैं। और ये काफ़ी हेल्दी, काफ़ी टेस्टी रेसिपी थी। मेरे घर में सभी को ये बहुत पसंद आई और ये काफ़ी फिलिंग रेसिपी थी। हम लोगों ने संडे को लेट उठते हैं तो सारा काम लेट होता है। आराम से हम मुझे बच गए थे 10:30 इसे बनाते हुए। और 10:30 बजे बच्चों ने 10:30-11 बजे बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, और मुझे तो और भी लेट हो गया था, क्योंकि मैंने जैसे ही नहा के आई वैसे ही मैंने किचन में बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी। और मैंने सोचा पहले बना दें, फिर उसके बाद आराम से पूजा करेंगे, क्योंकि आज संडे था तो थोड़ा मुझे पाठ भी करना था। इसी वजह से मैंने सोचा पहले नाश्ता बना दें, खाने की प्रिपरेशन कर दें, फिर उसके बाद अपनी आराम से पूजा करेंगे, नहीं तो एक टेंशन लगी रहती है। सो मैंने कटोरी में इडली का बैटर भर के इस पे स्टीम करने के लिए रख दिया है, और कढ़ाई ली है, कढ़ाई में पानी भरा है, और वो स्टैंड आता है किचन में बर्तन रखने वाला छोटा सा, तो उसी को उसमें प्लेस कर दिया है, और कटोरियों को एडजस्ट करके उसी पे रख दिया है, और एक लिड से इसे अच्छे से कवर कर दिया है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ, इसकी फिलिंग तैयार कर रही हूँ। तो मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें राई लिया है डाला है, और थोड़ी सी हींग भी डाली है मैंने, और प्याज डाल के थोड़ा सा भूना है, और ये मैंने कड़ी पत्ता डाला है। और कड़ी पत्ता का मेरे यहाँ फ्रेंड्स है पेड़ बहुत बड़ा सा, तो हम लोगों को कड़ी पत्ता बहुत फ्रेश मिलती है। फिर इस पे मैंने शिमला मिर्च डाला है। आपके पास और भी कोई सब्जियाँ हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा नाश्ता बनाना होता है जो काफ़ी हेल्दी हो, और क्योंकि बच्चे सब्जियाँ खाने से कतराते हैं, तो इस वजह से आपको जो सब्जी मिले अच्छे से आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, टमाटर के साथ मैंने नमक डाल दिया है कि टमाटर अच्छे से गल जाए, और थोड़ा सा हल्दी डाला है। ये मैंने मटर थोड़ी रखी हुई थी मेरे पास, तो इसको मैंने थोड़ा बॉयल करके मटर डाल लिया है। अब इसे अच्छे से भूनेंगे, और भूनने के बाद इसमें हल्दी है, धनिया है, ये सारा इसमें मसाला भी ऐड करते जाएंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलिंग को कितना आपको टेस्टी बनाना है, कितना तीखा रखना है, उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने मैगी मसाला लिया है, जो मेरे घर में मेरे बच्चों को इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत पसंद है। ये अक्सर मेरे घर में मिलता है और बच्चे हर चीज़ में पसंद करते हैं इसे डालना, तो ये मैंने डाला है। और ये डाला है चाट मसाला। चाट मसाला का भी फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है, और इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। ये मेरे आलू हैं, मैंने इसे मैश करके रखा हुआ था, तो इसे मैं ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से चलाते हुए भून लूँगी। और ये मैंने बैटर थोड़ा सा ज़्यादा तैयार किया है, क्योंकि मुझे कल निकलना है लखनऊ, फिर उसके बाद उधर से मैं कानपुर जाऊँगी, तो बच्चों के लिए कुछ हो जाएगा। बैटर मैंने तैयार करके रख दिया है, इसे जो बचेगा उसको स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी, और बच्चे इसे सैंडविच वगैरह बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने सॉसेस डाला है, मेयोनीज डाला है, सोया सॉस सॉरी चिली सॉस डाला है, और टमेटो सॉस डाला है। और जब तक मैंने ये सारे काम करे, तब तक मेरा इधर ये भी तैयार हो गया। इसे मैं चेक कर रही थी, अभी थोड़ा कसर बाकी है तो मैंने सोचा अभी रख देंगे। फिर उसके बाद ये हो गया था तो मैंने इसे निकाल लिया, और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब देखिए कितना अच्छा स्पंजी बना है, और मैंने तो गर्मी गर्म निकाला था, थोड़ा ही मैंने रेस्ट किया, लेकिन आप लोग बिल्कुल इसे ठंडा हो जाए तब निकालिएगा, तो ये बहुत बढ़िया निकल कर आती है। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन भी चढ़ा दिया है एक छोटा सा, इसे फ्राई करने के लिए। और इस तरीके से इसे जैसे बर्गर काटते हैं, बर्गर वाला ब्रेड जो होता है पाव,
उसे काटते हैं उसी तरीके से इसे काट लेंगे बीच से, और इस तरीके से अपना बैटर रख के इस तरीके से इसे पूरा बर्गर का शेप देंगे। और ऐसे ही मैंने सारे तीनों तैयार कर लिए, तीनों मैंने तीन बनाए थे, एक बार में तीन बन गए थे तो मैंने तीन बनाए थे मेरे बच्चों के लिए, दोनों के लिए और हस्बैंड के लिए हो जाएगा, और मैं तो अपना पूजा करके तब खाऊंगी। तो ये कटोरियाँ जैसे ही खाली होंगी उसी पे मैं अपने लिए रख दूंगी। तो इस तरीके से मैंने सारे टिक्कियाँ तैयार कर ली। हाँ ये देखिए, मैंने गरम गरम इसको करा था तो ये सही से निकल नहीं पाया और टूट गया था, लेकिन आप आराम से निकालिएगा, थोड़ा ठंडा हो जाए तब निकालिएगा, ये बहुत बढ़िया बनते हैं। मैंने जो लास्ट में अपना बनाया था वो मैं सूट नहीं कर पाई, वो बहुत अच्छा बना था। और ये देखिए लास्ट वाला, ये भी, ये जो मैं बना रही हूँ इस समय, ये भी अच्छा बना है, क्योंकि जितना ठंडा हो जाएगा उतना अच्छा निकलेगा। जैसे हम लोग इडली ठंडी हो जाती तभी निकालते हैं, तो इस तरीके से उसी तरीके से इसे भी निकालना है। और इसे देखिए एक एक करके अच्छे से सैलो गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। सच बता रही हूँ ये बहुत ही यम्मी बना था, बहुत ही अच्छा बना था, और एक नई रेसिपी है और काफ़ी फिलिंग रेसिपी है। सो आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा मेरे कहने से। और मेरा नाश्ता यहाँ बन गया था तो देर हो गई थी काफ़ी, तो मैंने सोचा चलो खाने की भी तैयारी कर देते हैं। तो मैंने सुबह पालक बॉयल करी थी, क्योंकि मैं पहले ही से खाने की तैयारी करके रख लेती हूँ, तो ये मैं पालक बॉयल करके फ्रिज में स्टोर कर लूँगी, जब कभी ज़रूरत होगी तो इसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो इधर मैंने पालक की सब्जी, कटी हुई पालक, थोड़ी पालक काट ली थी, पालक की सब्जी, और इधर मैंने दाल के लिए कुकर चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें फटाफट दाल एक साइड और एक साइड सब्जी मेरी बन जाएगी। और ये मैंने आलू डाल दिए हैं, जीरा लहसुन डाल के मैंने आलू डाल दिए हैं, साइड में थोड़ी हल्दी भी डाल दी थी, मैं भूल गई थी तो बाद में मैंने हल्दी डाली। वैसे हल्दी पहले डालनी चाहिए थी ऑयल में, लेकिन मैं भूल गई हूँ। यहाँ पर मैं फटाफट दाल अपनी चढ़ा लूँगी, और काफ़ी टाइम हो गया था मुझे पूजा भी करनी। कितना भी करो संडे को थोड़ा लेट हो ही जाता है, बच्चे मूवी लगा लिए तो रात में हम लोगों ने मूवी देखी तो थोड़ा लेट हो गया उसमें। तो इधर मैंने पालक की सब्जी बनानी है तो थोड़ा पहले मैं आलू को अच्छे से पका लूँगी, फिर उसके बाद मैं पालक डालूँगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दाल कुकर में चढ़ाई है, तो इसमें तेल में मैंने तेल डाला है, फिर उसके बाद जीरा और लहसुन अदरक टमाटर प्याज यही सब डाल के अच्छे से मैं दाल को कर लूँगी। ये नमक और हल्दी ये सब चीज़ डालूँगी, नॉर्मल जैसे दाल बनती है वैसे ही मैं बनाऊँगी। और ये भीगी हुई दाल रखी थी, क्योंकि भिगो दो दाल तो बहुत जल्दी आराम से बन जाती है। तो मेरा नाश्ता भी बन के तैयार हो गया, खाना भी एक साइड पे बनना है। अब मैं आराम से शांति से पूजा करूँगी, क्योंकि जब लेट हो जाता है तो पूजा करने में फिर काम पड़ा रहता है तो मन नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने कहा पहले ये कर लें फिर उसके बाद आराम से शांति में पूजा करेंगे। फिर मैंने नाश्ता भी नहीं किया था तो पूजा करके ही मैं नाश्ता करूँगी। तो इधर मेरी पालक डाल दी मैंने और सब्जी भी लगभग हो गई है, उधर दाल भी चढ़ा दिया है, और मेरा पूजा करने का टाइम आया सो मैं पूजा करने बैठ गई थी। सो फ्रेंड्स, आज का यही ब्लॉग था मेरा छोटा सा। और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, ज़रा से भी हेल्पफुल लग रहे हो, ज़रा सा भी आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप एक कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।